सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली से 2649 किलोमीटर दूर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के चर्चित गैंगरेप कांड में वांटेड 1,00,000 के इनामी की कॉल डिटेल से जहां अंडमान और निकोबार पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज की टीम ने उसी कॉल डिटेल को खंगाल कर आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की पहचान डालमिया एंड केडीए सिटी मिनी बे पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड निवासी 38 वर्षीय संदीप सिंह उर्फ रिंकू के रूप में हुई है। आरोपी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर इलाके में देसी लाउंज रेस्टोरेंट का मालिक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पूर्व मुख्य सचिव वाईएएस ऑफिसर जितेंद्र नारायण और कुछ लोगों पर एक युवती ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। गिरफ्तार आरोपी पर आरोप है कि वो युवती को आईएएस ऑफिसर के पास लेकर गया था। आईएएस ऑफिसर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से भागकर अलग अलग राज्यों में छुपता फिर रहा था। दिनांक 2 नवंबर को अंडमान और निकोबार पुलिस ने चर्चित गैंगरेप के एक मामले में वांटेड देसी लाउंज रेस्टोरेंट के मालिक संदीप सिंह उर्फ रिंकू व ऋषिश्वरलाल ऋषि को लेकर पब्लिक अलर्ट जारी किया। वांटेड फरार दोनों आरोपियों पर 1,00,000 का इनाम रखा गया। पब्लिक अलर्ट के बाद अंडमान निकोबार पुलिस को इनपुट मिला कि फरार दो आरोपियों में से एक संदीप सिंह उर्फ रिंकू उत्तराखंड में कहीं छुपा हुआ है। आरोपी को दबोचने के लिए अंडमान निकोबार पुलिस ने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी। मामला काफी गंभीर था, जिसके चलते रविंद्र सिंह यादव कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ने आरोपी को दबोचने की जिम्मेवारी क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज को सौंपी। जिम्मेवारी मिलते ही राजेश देव डीसीपी क्राइम ने देर तर्रार एसीपी नरेश सोलंकी की सुपरविजन व इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया के नेतृत्व में एसआई योगेश तंवर, एएसआई राजेश बैसोया, हेड कांस्टेबल चरण सिंह, कांस्टेबल अभय पाठक, करणवीर व विपिन की एक क्विक टीम का गठन किया। अंडमान निकोबार पुलिस टीम की इन्फॉर्मेशन पर इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया की टीम ने उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश समेत अन्य जगहों पर 100 से ज्यादा होटलों व गेस्ट हाउस में छापेमारी की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। अंडमान निकोबार पुलिस के पास आरोपी के बारे में और अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन वो इस बात के लिए जरूर श्योर थे कि आरोपी अंडमान निकोबार से भागकर दिल्ली, हरियाणा या उत्तराखंड में ही कहीं आकर छुप गया है। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के दिल्ली, हरियाणा व उत्तराखंड जैसे घनी आबादी भरे राज्यों में वांटेड आरोपी को खोजना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन तेज़तर्रार एसीपी नरेश सोलंकी ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपी के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। आईएएस ऑफिसर जितेंद्र नारायण की गिरफ्तारी के बाद आरोपी संदीप सिंह उर्फ रिंकू 15 अक्टूबर से ही अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गया था। अंडमान निकोबार पुलिस के पास आरोपी का कोई नया मोबाइल नंबर भी नहीं था। एसीपी नरेश सोलंकी ने अंडमान निकोबार पुलिस से आरोपी के पुराने मोबाइल नंबर की सीडीआर मांगी। टीम को पता चला कि आरोपी की सीडीआर को अंडमान निकोबार पुलिस पहले ही कई बार खंगाल चुकी है, लेकिन इससे उन्हें कोई सुराग नहीं मिला था। फिर भी एसीपी नरेश सोलंकी ने एक चांस लेना चाह और आरोपी के पुराने मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड को बारीकी से स्कैन करना शुरू कर दिया। सीडीआर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार क्रॉस चेक किया। तभी एसीपी नरेश सोलंकी की नजर एक नंबर पर आकर अटक गई। 15 अक्टूबर को फोन ऑफ करने से पहले आरोपी संदीप सिंह उर्फ रिंकू ने एक नंबर पर कॉल की थी। हालांकि कॉल मात्र कुछ सेकंड की थी। 2-1 सेकंड की कॉल में आदमी क्या बात कर सकता है, यह सोचकर अंडमान निकोबार पुलिस ने इस नंबर को नजरअंदाज कर दिया था। क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज की टीम ने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से संपर्क कर सस्पेक्ट नंबर की डिटेल मंगवाई, तो पता चला नंबर हरियाणा के करनाल इलाके में किसी कैब ड्राइवर का था। टीम को जांच में पता चला कि वांटेड आरोपी संदीप सिंह उर्फ रिंकू की करनाल में ही ससुराल है। कॉल भले ही मात्र कुछ 1 सेकंड की थी, लेकिन करनाल में ससुराल और लास्ट कॉल भी करनाल में। इंस्पेक्टर विजय पाल दहिया को समझते देर नहीं लगी कि दोनों मोबाइल नंबरों का आपस में कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। सारी निगरानी व छानबीन करने के बाद टीम को लगा क्यों न इस नंबर के मालिक को टटोला जाए। जांच में टीम को पता चला कि आरोपी संदीप सिंह उर्फ रिंकू के परिवार के लोगों कहीं आने और जाने के लिए पिछले काफी समय से इसी कैब ड्राइवर की सर्विस इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तेज़तर्रार एसीपी नरेश सोलंकी को पूरा भरोसा हो गया कि इसी कैब ड्राइवर से वांटेड आरोपी संदीप सिंह उर्फ रिंकू का सुराग मिल सकता है। एसीपी नरेश सोलंकी ने टीम को कैब ड्राइवर के पास सीधे कॉल करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कैब ड्राइवर वांटेड आरोपी संदीप सिंह के संपर्क में हुआ तो वो उसे अलर्ट कर सकता है और ऐसा हुआ तो आरोपी उनकी गिरफ्त से निकल सकता है। टीम ने कैब ड्राइवर के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया और करनाल के लिए रवाना हो गई। करनाल में कैब ड्राइवर के मोबाइल की पिन पॉइंट लोकेशन सर्च करके उसे दबोच लिया।
सख्ती से पूछताछ करने पर कैब ड्राइवर से पता चला कि 15 अक्टूबर को संदीप सिंह उर्फ रिंकू ने अपने नंबर से उसे कॉल तो किया था किंतु कोई बात नहीं हो पाई थी। लेकिन आरोपी नए नंबर से कैब ड्राइवर के टच में था। टीम ने कैब ड्राइवर से आरोपी का नया मोबाइल नंबर लेकर सर्विलांस पर लगा दिया। मोबाइल सर्विलांस से टीम को पता चला कि आरोपी सुबह 4 बजे करनाल बस स्टैंड पर आएगा। टीम ने करनाल बस स्टैंड को चारों ओर से घेर लिया। सुबह 4 बजे आरोपी को वॉल्वो बस से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो प्राइवेट कैब से भुवनेश्वर उड़ीसा भागने की फिराक में बस स्टैंड पर आया था। आरोपी ने टीम को बताया कि वो पुलिस से बचने के लिए कोलकाता, दिल्ली और धारीवाल पंजाब में छुपता फिर रहा था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच दक्षिणी रेंज की टीम ने आरोपी संदीप सिंह उर्फ रिंकू को अंडमान एंड निकोबार पुलिस के हवाले कर दिया। हम आपको बता दें कि अंडमान एंड निकोबार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। दिनांक 1 अक्टूबर को अंडमान एंड निकोबार आईलैंड के पूर्व मुख्य सचिव व आईएएस ऑफिसर जितेंद्र नारायण, रेस्टोरेंट मालिक संदीप सिंह उर्फ रिंकू व ऋषिश्वरलाल ऋषि के खिलाफ एक युवती की शिकायत पर पुलिस स्टेशन एबरडीन पोर्ट ब्लेयर में एफआईआर संख्या 165/22 धारा 376 डी 228 से 506 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था। महिला का आरोप है कि उसे सरकारी नौकरी का झांसा देकर मुख्य सचिव के घर ले जाया गया और फिर वहां 14 अप्रैल व 1 मई को उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सरकार ने आईएएस ऑफिसर जितेंद्र नारायण को 17 अक्टूबर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। पुलिस ने नारायण को एक स्थानीय अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तार कर 14 नवंबर तक के लिए जेल में भेज दिया है। रेस्टोरेंट मालिक संदीप सिंह उर्फ रिंकू व ऋषिश्वरलाल ऋषि अंडमान एंड निकोबार में एक ही कॉलोनी में रहते हैं। संदीप सिंह उर्फ रिंकू पर आरोप है कि वो महिला को नौकरी के बहाने आईएएस ऑफिसर जितेंद्र नारायण के पास लेकर गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए 15 अक्टूबर को संदीप सिंह उर्फ रिंकू व ऋषिश्वरलाल ऋषि अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गए थे। अंडमान एंड निकोबार पुलिस ने 2 नवंबर को दोनों आरोपियों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित करके पब्लिक अलर्ट जारी कर दिया था। आरोपी संदीप सिंह उर्फ रिंकू की गिरफ्तारी के बाद वांटेड फरार ऋषिश्वरलाल ऋषि की तलाश में भी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूले सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।